सलाम नमस्ते, मैं हूँ टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनुमंडल सह प्रखंड कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बाबा साहब का 133वां जयंती समारोह पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं पुपरी में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और बात करेंगे शहर के सभापति एवं श्यामराज जी, जो वार्ड पार्षद हैं और कई वर्षों से वार्ड पार्षद वो रह चुके हैं, और इन दोनों के सहयोग से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर बैठका का निर्माण कराया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूर दराज से जो लोग यहाँ पे अनुमंडल कार्यालय हो या प्रखंड या अंचल कार्यालय में काम कराने के लिए आते थे, जिनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसका निर्माण हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे शीतल पेयजल का भी इंतज़ाम किया गया है। देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो सबसे बढ़िया जो पुण्य का काम हम आप जानते हैं पानी पिलाने का, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि शीतल पेयजल का भी इंतज़ाम किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तो लगी थी लेकिन रेलिंग वगैरह नहीं लगा था, उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छा बनाया गया है। माल्यार्पण के लिए जो जीने का इंतज़ाम किया गया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। तो आइए अब हम बात करेंगे सभापति श्री ब्रजेश कुमार जालान जी से। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ शहर के सभापति श्री ब्रजेश कुमार जालान जी मौजूद हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती मनाया गया है, और सबसे जो खुशी की बात है, इनके द्वारा और श्यामराज जो वार्ड पार्षद हैं, इन लोगों की मेहनत की वजह से, मैं आपको जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शीतल पेयजल का, और ये अनुमंडल कार्यालय पीछे है और जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये प्रखंड कार्यालय है, और यहाँ पे पेयजल और शीतल पेयजल का बहुत बड़ा जो मामला बनता था, दूर दराज से लोग आते थे लेकिन पानी के लिए तरस जाते थे, कहीं पे छाँव में बैठने के का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बनाया गया है बैठने के लिए लोगों से, दूर दराज से बूढ़े वृद्ध महिला बच्चे भी आते हैं यहाँ पे अपना काम कराने के लिए, उन लोगों के लिए बैठने की भी जगह नहीं थी। तो पुपरी न्यूज़ की ओर से भी हम सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज बाबा साहब का जो संदेश था, जो लोग अब उन संदेशों को भूलते जा रहे हैं, उस पर हमारे माननीय सभापति जी क्या कहते हैं। पुपरी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुपरी न्यूज़ को मैं हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूं। टीपू जी, आप आज मुझे इंटरव्यू करने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं तिथि पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सुबह में हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, इसके बाद एक बहुत ही शानदार रैली यहाँ से बाबा साहब के याद में निकाला गया, जो अब तक लौट के आया नहीं है, उसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। और जहाँ तक ये सवाल है, ये मेरा सपना है, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी, बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। ये विदित हो कि जब मैं चुनाव जीत के आया था पिछले 13 जनवरी 2023 को, मैंने जब शपथ लिया तो शपथ लेने के सायंकाल ही मैंने अपने पार्षद जी, जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, और मैंने उनको कहा कि आप बाबा साहब की याद में कुछ अच्छा करिए, हम चाहते हैं बाबा साहब की याद में कुछ अच्छा हो। तो इन्होंने हमको वचन दिया था कि नहीं भैया, हम कुछ करेंगे और अच्छा करेंगे। तो प्रेरणा स्रोत हैं ये हमारे, और हम लोगों ने सुझाए गए मार्ग पर इस प्रकार का काम किया है। और बाबा साहब के लिए जो शब्द है, वो आज बहुत लोगों ने बहुत सी बात कही है, उनके लिए कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम है। संविधान के रचयिता हैं वो हमारे। आज भारत में किसी बोलने की अगर आज़ादी है लोगों को, तो बाबा साहब की वजह से है। गरीब गुरबा अगर खड़े हैं, किसी से लड़ सकते हैं, तो वो कानून में जो उनको एक उंगली रखने की जगह मिली है,
वो बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब का भारतीय संविधान में, भारत के रचना में बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और जहाँ तक इस बैठका का सवाल है, जिसका नाम हम लोगों ने अंबेडकर बैठका दिया है, इसका हम लोगों की ये सोच है कि ये जो हम लोगों का ब्लॉक का मुख्यालय है, पीछे अनुमंडल का मुख्यालय है, यहाँ 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी से लोग, माताएं, बहनें, भाई आते हैं आरटीपीएस कराने के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा के लिए, कोई दाखिल खारिज कराने के लिए, कोई बहुत से काम से आते हैं, लेकिन वो धूप में उनको खड़ा रहना पड़ता है, उनके बैठने के लिए कोई स्थल नहीं था, कोई गाछ के नीचे खड़ा रहते हैं, कोई खड़े खड़े, कई ऐसी भी घटना उधर भटकते रहते हैं, कई ऐसी भी घटना आई है कि वो खड़े खड़े बेहोश भी हो गए हैं जी। तो इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ अंबेडकर बैठका का निर्माण किया है। शीतल पेयजल जो आप सामने देख रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने शीत का मशीन लगाया है। यहाँ आप देखें, हम लोगों ने इसके चारों बगल रेलिंग लगाकर इसके सौंदर्यीकरण का काम किया है। और भी भविष्य में इनके लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो हम लोगों को इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये गरीबों के, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, और हम लोगों ने जितना किया है उतना कम है इनके लिए, और भविष्य में हमको फिर कोई मौका मिलता है तो इनके लिए हम उत्तरोत्तर हमेशा कदम से कदम मिला के चलने का आपको हम भरोसा देते हैं। और रही विशेष, तो मैं विशेष बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा काम दिखता है और मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। बोलना तो बड़ा आसान चीज़ है कि मैं आसमान में सितारा तोड़ कर ला दूँगा जैसे और लोग बोला जी करते जी हैं, मुझे उतना बोलना नहीं आता है। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं शहर के सभापति जी। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं श्री श्यामराज जी से, जो कई टर्म से यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं शहर के सबसे पुराने वार्ड पार्षद श्री श्यामराज जी। तो श्यामराज जी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती समारोह मनाया गया है जी, जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज उनके विचार प्रकट किया गया है और हम लोग के नगर परिषद के जनप्रिय यशस्वी सभापति बड़े भाई ब्रजेश कुमार जलान जी के द्वारा बाबा साहब के जन्म उत्सव पर यहाँ दूर दराज से ग्रामीण सुदूरी इलाके से आए गरीब महिला वृद्ध युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कार्य, राशन कार्ड के कार्य के लिए जो आते थे, दर्द भटकते थे, प्रखंड कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है, उसमें आते थे लोग, दर्द बैठने की जगह नहीं था, बाबा साहब के नाम पर एक बैठक दिया गया है जो आपके जस्ट पीछे है जी। उसके बाद शुद्ध और शीतल पेयजल बाबा साहब के नाम पर लगा दिया गया है, जो काफ़ी संख्या में हम जिस दिन से लगाए हैं उसी दिन से लोग पी रहे हैं। इससे बड़ा विचार क्या हो सकता है? आज महामानव विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वां जयंती पर ये सब भेंट नगर परिषद के द्वारा किया गया है। आने वाली पीढ़ी जो अपना इतिहास भूल चुकी है, कि बाबा साहब का जो संदेश भूलती जा रही है हमारी नई पीढ़ी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं चर भर के हिस्सा लेकर, यही है कि उनका अलग जगाना, उनके कार्य को दर्शाना, उनके विचार पर चलना, उनका सर्वप्रथम जो मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी पर हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी चलता भी रहेगा।